हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक और नई वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वीरेंद्र नर्सरी। आज हम बात करने वाले हैं गाइस कि लॉन्गा लैंड की हमें कटिंग कैसे लगानी है, इसकी बोमजाई कैसे बनानी है, हमें कटिंग को कितने पर से काटना है और इसको कैसे लगाना है ताकि हमारी कटिंग अच्छे से चल जाए, और इसकी बोमजाई हमें कैसे बनानी है। तो गाइस, हम आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आज। गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए फ्रेंड्स, अब अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्गा लैंड है, इसे हाइब्रिड लॉन्गा लैंड कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं, इसकी आज हम बताएंगे कि कटिंग कितने पर से हमें काटनी है। तो आइए गाइज, हम आपको बताते हैं हमें कटिंग किस प्रकार से काटनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमें कटिंग यहाँ से काट लेना है, इतने पर से कम हमारी कटिंग 5-6 इंची की होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमें नए कल्ले नहीं इस्तेमाल करना है, थोड़े से पुराने इस्तेमाल करना है, तभी हमारा कटिंग अच्छे से चल जाएगी और जड़े भी अच्छे से आ जाएंगे। तो हमें कटिंग इसी प्रकार से काटना है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हम आपको कटिंग काट के दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइज, ये हमने कटिंग को काट लिया हुआ है। ये देखिए, हमें कटिंग को इसी प्रकार से काटना है, ये आप देख सकते हैं। गाइज, बात करते हैं हमें कटिंग को किस मौसम में लगाना है। तो गाइज, फरवरी में हमें कटिंग को लगा देना है। जैसे कि हमारा ये फरवरी आ रहा है, हमें कटिंग को इसी मौसम में लगाना है। ज़्यादातर गाइज, ये बरसात के मौसम में ज़्यादा ग्रोथ करता है और बहुत अच्छे से चल जाता है, तो हमें बरसात में ज़्यादा इसको लगाना चाहिए ताकि बरसात में हमें अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। फरवरी में भी चल जाता है लेकिन नॉर्मली चलता है, तो हमें फरवरी में भी इसकी कटिंग को हम लगा सकते हैं। तो गाइज, हम कटिंग को लगा के आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए, हम आपको कटिंग लगा के दिखाते हैं कि हमें कटिंग कैसे लगानी है इसकी। गाइज, हमें कटिंग लगाने से पहले इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें कटिंग को किस में लगाना है और हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमने एक टोकरी ले लिया है कटिंग लगाने से पहले। टोकरी हमने इसलिए लिया हुआ है ताकि इसमें बहुत सारे होल हैं जो कि हमारे पानी जो होता है वो अच्छे से पास हो जाता है, और हमारी मिट्टी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, रेतीली थोड़ी होनी चाहिए ताकि हमारे कटिंग अच्छे से ग्रोथ करे और इसमें रूट्स भी अच्छे से आ जाएं। तो हमें गमले में आप लगा सकते हैं कटिंग को, लेकिन इसमें नीचे होल होना चाहिए ताकि हमारा पानी जो है अच्छे से पास हो। ज़्यादातर हमें इसी प्रकार से टोकरी इस्तेमाल करनी है कटिंग को लगाते समय। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारी लॉन्गा लैंड की कटिंग है, हम इसको लगाने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमें इसी प्रकार से कटिंग को लगाना है। ये आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी कटिंग को ले लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमें कटिंग को ज़्यादा पास में नहीं लगाना है, थोड़ा सा दूर दूर लगाना है ताकि हमारी कटिंग अच्छे से ग्रोथ करे और हमारी कटिंग अच्छे से चल जाए, इसमें रूट्स भी अच्छे से आ जाएं। ये आप देख सकते हैं, कटिंग को हम लगा रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस, इसी प्रकार से हमें कटिंग को लगाना है, और कटिंग लगाने के बाद हमें इसमें पानी भी डाल देना है। इसमें सुबह शाम दोनों थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है ताकि हमारी कटिंग अच्छे से चलती रहे और हमारी कटिंग ना सूखे। सो गाइज, हमें कटिंग को इसी प्रकार से लगा देना है। अब बात करते हैं गाइज इसकी बोमजाई की, तो बोमजाई हमें कैसे बनानी है। जैसे कि ये हमारी कटिंग है, ये हमारी कटिंग जब चल जाएगी तो हमें क्या करना है बोमजाई बनाने के लिए। बोमजाई बनाने के लिए इसमें बहुत समय लगते हैं गाइज, ये बोमजाई बहुत समय के बाद जाके बनता है। तो हमारी कटिंग चल जाती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको पंच कर देना है ऊपर से, ताकि जो हमारे नीचे की हैं यहाँ से नीचे से रूट से अच्छे से आने लगे। तो हमें बार बार इसको पंच करना है। आप अगर बार बार इसको पंच करते हो तो हमारी जो बोमजाई है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो हमें इसी प्रकार से बोमजाई बनाना है गाइज। इसकी बोमजाई बनने में काफ़ी समय लगता है, कम से कम आपको 6 से 7 महीने लग जाएंगे बोमजाई बनने में। अगर आप हमारे नर्सरी से बोमजाई परचेज़ करते हैं तो इसकी बोमजाई काफ़ी महंगी आती है गाइस, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बोमजाई इसी प्रकार से बनाएं और अपना पैसा बचाएं। आप अपने घरों में इसकी बोमजाई अच्छे से बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है, जैसे हमने वीडियो में बताया है कि इसको बार बार पंच करना है, तो उसी प्रकार से आपको करना है तो आपकी बोमजाई अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, नमस्कार।